दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए मेरे पास जो बुक है दोस्तों, उस बुक में इस टॉपिक के ओनली 400 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक ना। तो मैं आपको उन 400 क्वेश्चंस को 3 से 4 क्लासेस में करवा दूंगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के हम 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त या जम्मू द्वीप कहते हैं, ठीक ना। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था, तो भारत को हिंदुस्तान दोस्तों ईरानियों ने कहा था, ठीक ना, ईरानियों ने। उसके बाद भारत को इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों ने कहा था। भारत अवस्थित है, भारत दोस्तों उत्तर किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, भारत की आकृति किस प्रकार की है। भारत की आकृति दोस्तों लगभग चतुष्कोणीय है, ठीक ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक ना। लास्ट में वीडियो को मैं आपको बताऊंगा कि 29 कब थे, उसके बाद आपको पता है गाइस कि एक दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। उसके बाद दोस्तों ये भी आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक ना। पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, ठीक ना। बाकी 6 जो बड़े देश है भारत से, वो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन। तो भारत की कुल जनसंख्या, देखिए वर्तमान में जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। तो अभी यही वैलिड होगा अगर एग्जाम में आए तो, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट जो जनगणना होगा उसके क्या डाटा है वो सभी आगे मतलब हमें पता चलेगा करंट अफेयर में, वो कि वो डेटा मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही चल रहा है, ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक ना। चीन पहले नंबर पर था, अब वर्तमान में दोस्तों भारत आ गया है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है, ठीक ना। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है भारत में वो है हिंदी। उसके बाद बंगाली भाषा का आता है स्थान दूसरा, ये भी याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जनजाति, ठीक ना, सबसे बड़ा जनजाति भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक ना, भारत स्थित है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 3,214 किलोमीटर, ठीक ना, मतलब जम्मू कश्मीर से कह सकते हैं कन्याकुमारी तक। और पूर्व से पश्चिम मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो 2,933 किलोमीटर, ठीक ना, लंबाई की बात की जा रही है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाती तो वर्ग मीटर में आता है, ठीक ना, स्क्वायर लग जाता है। बाकी परिमाप को हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पूर्वी बिंदु को दोस्तों किवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, किवीथू कहते हैं। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता, जो कि गुजरात में है, ठीक ना। अब उसके बाद उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में है, जिसे हम इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु को हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये 4 बिंदु आपको पता चल गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये है इंदिरा पॉइंट, इसको हम और भी कई नाम से जानते हैं जो कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, तो इंदिरा पॉइंट के ये ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, इनमें से ये दे दिया जाएगा या ये दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, मतलब जो दक्षिणी बिंदु है भारत की वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो 876 किलोमीटर। अब देखिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक ना, लंबाई की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 15,200 किलोमीटर।
अब मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी, मतलब कि भारत के ऐसे कितने, मतलब कि कह सकते हैं राज्यों का जो एरिया, एरिया नहीं कहेंगे मतलब उनका तट कहेंगे, ठीक है ना, जो कि समुद्र से लगा हुआ है, तो 6100 किलोमीटर, ठीक ना, मुख्य भूमि के तट की लंबाई है ये भारत की। उसके बाद द्वीपों सहित तटीय लंबाई, तो जो द्वीप है बहुत सारे उसको लगाकर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत मानक, भारत का मानक समय क्या है, तो ये है 82° 30' पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट, याद कर लीजिएगा। देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है, ये याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 82° पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए 82° पूर्वी देशांतर, ये जो रेखा है ना, ये भारत का मानक समय रेखा है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जा सकता है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत का मानक समय जो रेखा है, ठीक है ना, ये कितने राज्यों से गुजरती है, या फिर यहाँ पर देशांतर रेखा भी पूछ लिया जाएगा, तो बात वही है, ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमा फिराकर इस तरीके से दिया जा सकता है कि 82° पूर्वी देशांतर रेखा या फिर भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सारे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 5 राज्य, बाकी ये सब कौन कौन से है ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये सारे राज्य यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके ट्रिक भी है, ठीक ना, तो ट्रिक आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, इसका एक ये भी ट्रिक है, मगर मत झपटा, ठीक ना, बाकी ट्रिक तो आपको याद होगा, मैं बता दूंगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों अगर देखा जाए तो लद्दाख है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है ना। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं पूछा गया है, जनसंख्या के हिसाब से, और सबसे छोटा तो लक्षद्वीप, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो कच्छ, ठीक ना, जो कि गुजरात में है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला भारत का, तो उसे हम माहे के नाम से जानते हैं, जो कि पुदुचेरी में स्थित है, ठीक ना। तटीय राज्यों की कुल संख्या, भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तल से लगे हुए हैं, मतलब समुद्र से लगे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं तल से नहीं समुद्र से लगे हुए, तो ये 9 है, ठीक ना। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि समुद्र से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, ठीक ना, कोस्ट लाइन वाला राज्य गोवा। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से, यह भी याद हो गया होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र मतलब कितना है, तो 12 समुद्री मील, ठीक ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1.852, ठीक ना। और ऐसे जो समुद्री और ऐसे जो मील होता है उसमें 1.6 किलोमीटर कुछ समथिंग होता है, ठीक ना। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं, समुद्र की दूरियां तो समुद्री मील के द्वारा, ठीक ना, जैसे इंग्लिश में नॉटिकल कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसे हम कोंकण तट कहते हैं, ठीक ना। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का जो तट है ये दोस्तों कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक ना, पूर्वी तट। नेक्स्ट, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो पूर्वी तट है इसे किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तट, ठीक ना। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु
तक का तट क्या कहलाता है? मलाबार तट, याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक बनाच्छादित बनाच्छादित राज्य, सबसे ज्यादा मतलब बन वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे न्यूनतम बनाच्छादित राज्य हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर, जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है, तो ये दोस्तों लूनी एवं व्यास नदियों के द्वारा विभाजित है। सबसे नवीन पर्वत, सबसे नया पर्वत हिमालय बलित पर्वत, हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस करते हैं, देखिए आगे क्वेश्चंस में क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ किससे हुआ? तो हिमालय का निर्माण हुआ दोस्तों प्राचीन टैथिस सागर के निक्षेपों से, ठीक है ना।